हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में आपको टीचर्स डे का एक कार्ड बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आप कुछ कलरफुल शीट ले लीजिए, एक स्केल ले लीजिए, एक सीजर ले लीजिए और एक फेविकोल की डब्बी ले लीजिए। आइए अब हमारी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक ब्लू कलर की शीट ले लीजिए। इस शीट को आप इस प्रकार से मोड़ लीजिए। बिल्कुल आपने इसको एक चौथाई भाग, इधर से भी एक चौथाई होना चाहिए, ये इधर से भी एक चौथाई होना चाहिए, आपने इसको इस तरह से मोड़ देना। अब आप यहाँ से इसको पकड़ के इस किनारे को, और इसका हम एक शर्ट बनाएंगे तो हमें यहाँ से इसका कॉलर बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से इसका एक साइड से बनाया कॉलर, दूसरी साइड से भी हम इसी प्रकार से पकड़ के अब हमारा ये कॉलर भी बन चुका। अब आप एक वाइट शीट ले लीजिए। ये देखिए, ये मैंने वाइट शीट ले ली है। आप इसको बिल्कुल जो ये बीच का पोर्शन है इतना, इसके हिसाब से इसके जितना काट लीजिए। आप इस शर्ट को इसके ऊपर भी रख कर इसे काट सकते हैं। अब आप पेंसिल से यहाँ पर, ये देखिए जितना आपका ये नीचे का रेक्टेंगल है, इतने निशान लगाएंगे आप, ऊपर वाले आपने नहीं लगाए। अब हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसे स्केल या कैंची की सहायता से, आप किसी की भी सहायता से इसे काट सकते हैं। स्केल की सहायता से काट रही हूँ इसे। अब आप इसे इसके नीचे वाले यहाँ पर इस प्रकार से चिपका दीजिए। बची हुई वाइट शीट को ले लीजिए और रेक्टेंगल काटेंगे हम इस वाइट शीट से। इसके ब्रेड इसके जितनी होनी चाहिए और जो लेंथ होगी वो हमारी 6 सेंटीमीटर होगी। आप स्केल और पेंसिल की सहायता से 6 सेंटीमीटर पर मार्क कर लीजिए। अब आप इन निशानों को मिला दीजिए। अब आप इसे कैंची की सहायता से काट सकते हैं। आप चाहे तो स्केल की सहायता से भी काट सकते हैं। कैंची की सहायता से, अगर आपको कैंची चलानी ना आती हो तो आप स्केल की सहायता से ही काटें। देखिए अब हमारा एक रेक्टेंगल छूट चुका है। अब आप दोनों साइड पर 5-5 सेंटीमीटर के मार्क लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर भी मैंने 5 सेंटीमीटर का मार्क लगा लिया है और यहाँ पर भी मैंने 5 सेंटीमीटर का मार्क लगा लिया। और यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर का मार्क लगा लीजिए। इस साइड से भी आप इन पहले अपने 5 सेंटीमीटर तक की ज्वाइंट करनी है जो आप थी। अब आप उन्हें कैंची की सहायता से काट।
थोड़ी आप अगर आपका ये थोड़ा अच्छे से ना कटे तो आप इसकी फिनिशिंग भी कैंची के साथ दे सकते हैं। देखिए अब आपका ये इस प्रकार कट चुका है। हम अब इसके ऊपर इसे इस प्रकार से अब मैंने ये चिपका लिया है। अब आप इसे इस प्रकार से ये देखिए दोनों साइड से इसे कोलर जैसे आपको होता है इस प्रकार से फोल्ड कर दीजिए। अब आपका इस प्रकार से बन गया होगा। अब हम रेड कलर की शीट से टाई बनाएंगे इस शर्ट के लिए। टाई बनाने के लिए आप स्केल और पेंसिल की सहायता से इस रेड शीट को 5-5 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए। 5 सेंटीमीटर के निशान लगाने हैं। ये तो आपकी होगी ब्रेड और इसकी लेंथ आप 15 सेंटीमीटर कर लीजिए। अब आप इन लाइंस को मिला दीजिए जो आपकी 5-5 सेंटीमीटर वाले मार्क है उनको आप मिला दीजिए इस प्रकार से। और अब आप इस 15 सेंटीमीटर वाले मार्क से भी को ज्वाइन करते हैं। अब आप इस को काट लीजिए। ये देखिए अब आपका ये कट चुका है। अब आप इसे नीचे से वो ट्रायंगल इस प्रकार से फोल्ड कर दीजिए। और ऊपर से इसे इस प्रकार से दोनों साइड से यहाँ से इसी शीट से छोटा सा टुकड़ा और काट लीजिए। और अब इस टुकड़े को इस पर ये देखिए इस प्रकार से आप लगा दीजिए। इसको इस प्रकार से शेप दे दीजिए टाइप। अब आप इसे इसके ऊपर साइकिल की सहायता से चिपका दीजिए। अब आपकी टाई तैयार हो चुकी है। अब हम इस टाई को हमारी शर्ट के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से अब आप इसे यहाँ पर चिपका देंगे। और अब आपकी जो ये व्हाइट शीट है इसको भी आप यहाँ पर इस प्रकार से। अब हम इस शर्ट के बटन लगाएंगे। बटनों के लिए मैं मोती ले रही हूँ, आप भी मोती ले सकते हैं। आप चाहे तो बटन भी ले सकते हैं, चाहे तो मोती ले सकते हैं। अगर आपके पास इससे थोड़े बड़े साइज के मोती अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ये देखिए अब आपकी ये शर्ट बिल्कुल तैयार।
अब रेड कलर की शीट लेंगे और इस शीट को ट्रायंगल के आकार का काट लेंगे। स्केल की सहायता से आप एक छोटी सी ट्रायंगल काट लीजिए। पहले आप मार्क कर लीजिए और अब आप इसे कैंची की सहायता से काट लीजिए। आप चाहे तो इसे स्केल की सहायता से भी काट सकते हैं, आप चाहे तो इसे कटर की सहायता से भी काट सकते हैं। अब आप इसे फेविकोल की सहायता से यहाँ पर इस तरह चिपका दीजिए। ये मेरे पास फेविकोल है। अब आपकी शर्ट बिल्कुल तैयार है। आप यहाँ पर हैप्पी टीचर्स डे लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रही हूँ। पहले आप इसे पेंसिल की सहायता से लिख लीजिए, इसके बाद इसे आप डार्क कलर, आप स्केच ले सकते हैं, स्पार्कल पेन ले सकते हैं या कुछ भी लिख जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं। यहाँ पर आप हैप्पी टीचर्स डे लिख लीजिए। आइए अब हम उसकी डेकोरेशन के लिए एक फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर बनाने के लिए आप एक पिंक शीट ले लीजिए, आप यूज्ड टुकड़ा ले लीजिए शीट का और आप इसे चार स्क्वायर काट लीजिए और सारे स्क्वायर्स आपके 5 सेंटीमीटर के होने चाहिए, मतलब उनकी 5 सेंटीमीटर साइड होनी चाहिए उनकी, उनके मतलब वो 5 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर होने चाहिए, उनकी लेंथ भी 5 होनी चाहिए और उनकी ब्रेड्थ भी 5 होनी चाहिए। आप माफ करेंगे, यहाँ पर 5 होंगी। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर मार्क करते जाइए ताकि आपका ये 98 ही ना जाए। आपने टोटल 4 काटे हैं, आपने टोटल 4 स्क्वायर काटे हैं। अब आप इन सभी मार्क्स को स्केल की सहायता से पेंसिल से मिला। अब आपका ये तो 5 सेंटीमीटर है, अब आप यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर। अब मैंने ये 4 स्क्वायर्स काट लिए हैं। अब हम मैं इनमें से 1 स्क्वायर लूंगी और इसे ट्रायंगल के आकार का काट लूंगी। पहले हम इसे ट्रायंगल्स में फोल्ड करके और इसे फ्लावर बनाएंगे। आप देखिए कैसे बनाएंगे हम फ्लावर। ये देखिए इस प्रकार से आपने ये फोल्ड करना है। देखिए कितनी तह में करना है आपने। पहले ये एक बार किया ऐसे, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार। आपने टोटल 3 बार इसको मोड़ना है। अब आप यहाँ से गोलाई की शेप, यहाँ से गोलाई दे दीजिए। देखिए आप इसको गोलाई देंगे ताकि हम फ्लावर में काट सकें। हाँ, और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो आप ये गोलाई देंगे वो इस साइड से देंगे। ये देखिए जहाँ पर हमारी एक नोक है,
एक साइड को आपका ये तीनों खुल रहे हैं और एक साइड से बंद हैं, तो आप इस बंद वाली साइड से देखिए खुला लो, इस बात का आपने विशेष ध्यान। अब आप इसे कैंची की सहायता से काट दीजिए। अब मैंने इसे कैंची की सहायता से काटे हैं और आपका ये फ्लावर एक बन चुका है। आप इसे खोल कर देख लीजिए, ये देखिए अब आपका ये एक फ्लावर बन चुका है। चारों शीट्स के आपने इसी प्रकार से काट लेने हैं। अब मैंने इन चारों फ्लावर्स, चारों स्क्वेयर्स को फ्लावर्स के आकार का काट लिया। अब मैं इनमें से एक फ्लावर लूँगी और इसकी एक पत्ती काट लूँगी। ये देखिए आप इसकी एक देखिए, एक साइड से आपने ये देखिए इतना काट लिया, एक एक फ्लावर ये हो गया। दूसरा फ्लावर लेना है, इसकी आपने दो साइड से काटना है, दो साइड से मतलब पूरी एक पत्ती ही काट देनी है। देखिए एक साइड और ये दो साइड से मैंने इसे काटा है, फ्लावर की आप इस प्रकार से दो पत्तियां काटेंगे, मतलब उसे तीन साइड से करेंगे। एक दो तीन साइड से काटेंगे। इस प्रकार से आप इसे काट लेंगे और जो आपका ये चौथा फ्लावर है इसको, इसकी आपने तीन पत्तियाँ काटनी है। ये देखिए इस प्रकार से आप तीन पत्तियाँ इसकी एक ही साथ काट लीजिए, ताकि हमारी ये तीन जो पत्तियाँ हैं ये भी काम आ जाए, हमें दो फ्लावर इसके लिए काटने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए आप इसे भी काम में ला सकते हैं। ये देखिए अब हमारा ये, अब हम सबसे पहले जिसको हमने एक साइड से काटा था जिसे वो लेंगे और उसे इस प्रकार से चिपका देंगे, एक एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर इस प्रकार से हम इसे चिपकाएंगे फेविकोल की सहायता से। चिपका देंगे। अब जिसकी हमने एक पत्ती काट ली थी पूरी, उसे भी हम इसी प्रकार से इसकी ये दो साइड को हम इस प्रकार से चिपकाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से ये आपसे, और अब हम इन्हें आपस में यहाँ से बीच में से चिपका देंगे। अब हम इसे भी इसके ऊपर चिपकाएंगे। अब जिसके हमने तीन काटी थी हम इसे लेंगे और उसे भी इसी प्रकार से पैर को लगा, एक पत्ती पर पैर को लगा कर दूसरी को उसके ऊपर चिपका देंगे और उस पूरी को हम, उस पूरे फ्लावर को हम इसके ऊपर बीच में और अब जो हमने काटी थी उसकी तीन पत्तियां बची हुई थी, अब हम इसी प्रकार से ये हम थोड़ी सी देखिए तो भी हम इस प्रकार से एक इस प्रकार से एक पत्ती को दूसरी पत्ती के ऊपर लगा देंगे इसी प्रकार से। और फिर हम इसे भी इसके ऊपर चिपका देंगे।
का फ्लावर तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो जो आपकी दो पत्ती वाली थी वो भी इसके बीच में चिपका सकते हैं, उसके बाद एक पत्ती वाली थी अगर आपसे फूल हो जाए तो आप वो भी चिपका सकते हैं। ये देखिए अब आपका ये फ्लावर बन चुका है। अब हम इसे अपनी शर्ट पर अब आप जो ये आपने हैप्पी टीचर्स डे लिखा था इसे आप फ्लूइड की सहायता से डार्क कर दो। देखिए मेरे पास और मैं इसे इसकी सहायता से डार्क कर दूँ। आपका बड़ा ही सुंदर एक टीचर्स डे का कार्ड बन चुका है। ये देखिए कैसा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप यहाँ पर इस टाई को ना चिपका कर, इसे बिल्कुल नीचे से ना चिपका कर, सिर्फ ऊपर से चिपका कर और इसके यहाँ पर एक पोएम भी लिख सकते हैं और आप इसके अंदर अपने कुछ आइडियाज भी डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही खेल खेल में पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।